Our today's topic is atomic orbital hybridization. अब तक जो चीज़ हम पढ़ के आए हैं VBT के अंदर वो ये थी कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं विच आर हाफ फिल्ड दे ओवरलैप एंड फॉर्म दी बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो चीज़ हमने देखी थी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद होने चाहिए और उनकी ओवरलैपिंग जो है वो ज़रूरी थी। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ VBT जिसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से समझा था। अब इसी ओवरलैपिंग के नतीजे में जो एक नया कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ना है दैट इज दिस वन हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आप देखें तो ओवरलैपिंग जो है वो हमें ये तो बताती है कि कौन सा बॉन्ड जो है किस तरीके से फॉर्म में आएगा, लेकिन इट फेल्स टू टेल अस अबाउट द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। सिंपल ओवरलैपिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाती, या फिर इसकी मदद से हम जो टेट्रावेलेंसी है कार्बन की उसको हम सही तरीके से समझ नहीं सकते, या फिर वाटर, या अगर मैं अमोनिया की बात करूं जो इस तरह के मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि दैट ओवरलैपिंग डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ ज्योमेट्री के बारे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन हमें खाली ओवरलैपिंग के थ्रू जो है वो नहीं मिलती। इस वजह से जो है एक नया आइडिया जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अमल में लाया गया, और उसका यहाँ पर आपको जो है डिटेल में समझाया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हाइब्रिड इज अ जनरल वर्ड जो कि तब इस्तेमाल होता है जब भी दो चीज़ों को आपस में मिलाप करवा के कोई नई चीज़ पैदा की जाए, दो डिफरेंट चीज़ों का आपस में मिलना और प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल, अगर हॉर्स एंड डोंकीज, इनका अगर हम मेटिंग करवाएं, इनका क्रॉस करवाएं, तो आपके पास जो चीज़ आती है दैट इज़ म्यूल, जिसको हम खच्चर कहते हैं, और हम कहते हैं ये क्या है, दिस इज़ अ हाइब्रिड स्पीशी, कि दो डिफरेंट स्पीशीज को आपने मिक्स किया, आपने उनको क्रॉस करवाया और आपके पास एक नई चीज़ आ गई। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द मेकिंग ऑफ अ न्यू ऑर्बिटल बाय मिक्सिंग या ओवरलैपिंग टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो ये होता है इसके अंदर क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट आपके पास हाइब्रिड का होना चाहिए। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी हुई है उसको समझ लेते हैं। वो कहता है जी कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से, विच आर डिफरिंग इन एनर्जीज, विच आर स्लाइटली, थोड़ा बहुत उनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस हो, स्लाइटली डिफरिंग इन एनर्जीज, वो क्या करते हैं, दे इंटरमिक्स, दे इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स बाहर वाले शेल के अंदर जो मौजूद होते हैं आखिरी शेल में, उनकी एनर्जी जब डिफरेंट होती हैं तो दे इंटरमिक्स विद वन अनदर एंड फॉर्म दी न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
अब ये जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट ऑर्बिटल्स, जिनसे वो मिलके बने हैं उनसे वो डिफरेंट होंगे। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम इनको कहते हैं, जो न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्बिटल एंड दे हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्री, की एक खास ज्योमेट्री होती है जिसकी बेस के ऊपर हम इन मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन या इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन एक टर्म है जिसके नतीजे में क्या होता है कि स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटल्स उनसे होते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं आपस में टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, वो नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं। अब यहाँ पे जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाला पार्ट था, ये जो एनर्जी वाला पार्ट है, ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स होंगे दे विल बी द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर आप अपने फिफ्थ चैप्टर को रिकॉल करें तो उसमें डीजेनरेसी की बात हमने की थी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स हु हैव सेम एनर्जी। तो हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो चीज़ हमारी समझ में आई वो ये थी कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती हैं वो इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, और नए ऑर्बिटल्स वो जिनकी सबकी सेम एनर्जी होती है एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट ऑर्बिटल्स। तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट था ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब होती क्या है, होती हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता क्या है बेसिकली, कि कुछ केसेस के अंदर, आपके बुक में भी वो मेंशन करता है, इन सम केसेस केसेस द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द ग्राउंड स्टेट आर प्रमोटेड टू द एक्साइटेड स्टेट। ये बात भी जो है आप लोगों ने पहले कई दफा सुनी होगी, ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जिसकी लो एनर्जी है या वो नॉर्मल कंडीशंस पे है तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज़ ऑन द ग्राउंड स्टेट, एंड अगर वो एनर्जी ज़्यादा ले लेता है, हाई एनर्जी प्रोफाइल में चला जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड नाउ द एक्साइटेड स्टेट। अब वो कहता है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज दिए जाते हैं, जिनके नतीजे में क्या होता है, इस प्रोसेस के नतीजे में जो चीज़ बाहर निकलती है हमारे पास वो ये होती है कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, ये हम जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की तो आपको समझ में आएगा। इसको फिलहाल आप इस तरह समझें कि अगर मैं कार्बन सिक्स की बात करता हूँ तो कार्बन सिक्स इज 1s2, 2s2, 2px 1, 2py 1 एंड 2pz 0। इसके पास कोई नहीं होगा, 6 पूरे हो गए। अब ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब क्या है कि ये जो एस के पास ऑर्बिटल था ये फिल है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये ग्राउंड स्टेट पे है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा और खुद इसके पास एक कम हो जाएगा। अब जो चीज़ बन गई है वो क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन उठा और एक्साइटेड स्टेट में आया, ये 2pz की एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं था, ये स्टेबल स्टेट में था, इसके पास दोनों मौजूद थे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और इसके अंदर आ गया। तो ये जो बात है कि एक्साइटेड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चला जाता है वो इस तरह होता है। इसकी एग्जाम्पल आगे चल के भी यही एग्जाम्पल हम कार्बन के केस में स्टडी करेंगे। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे पास जो कंडीशन हो गई वो ये हो गई कि 2s में भी 1 है, अब 2px 1, 2py 1 और 2pz में भी 1। पहले हमारे पास इस केस में दो अनपेयर्ड थे, ये वाले और ये वाला यहाँ पे मौजूद था। जब ये वाला उठ के इधर आया तो अब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ
फोर। तो जो वो ये बात कर रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, वो इस तरह होते हैं। अब क्या होता है, ये जो एक्साइटेड ऑर्बिटल्स हैं दे, ये जो चार एक्साइटेड ऑर्बिटल्स हैं एस पी एक्स पी वाई एंड पी जी, ये क्या करेंगे, दे अप विल इंटरमिक्स एंड फॉर्म फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, दीज विल बी इन द रिजल्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, के आपके पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स बढ़ गए और उन्होंने आपस में मिक्सिंग की और आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो उनसे हैं वो मौजूद हो गए। अब यहाँ पर जो है, हम एनर्जी प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि एनर्जी कहाँ से आती है इस सारे प्रोसेस के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि 2s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, ये उठ के जो 2pz के अंदर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, तो इसको एनर्जी चाहिए थी तभी तो ये उठ के यहाँ पे गया, तो वो एनर्जी कहाँ से आई, वेयर दैट एनर्जी केम फ्रॉम। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसकी इसके आंसर में वो ये बात आपके पास मेंशन कर रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है एंड इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड से गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट, ये दो जो उनसे प्रोसेसेस हैं, एक ये और एक हाइब्रिडाइजेशन का, दे आर साइमल्टेनियस। मतलब क्या है कि ये एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये प्रोसेसेस इकट्ठे परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सा है हाइब्रिडाइजेशन जब प्रोसेस होगा तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी, ये जो एनर्जी रिलीज होगी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, दैट एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन कि वो एनर्जी को इस्तेमाल करे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोफाइल आपके जहन में इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी कहाँ से आती है। अगर ये 2s2 मौजूद है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये उठ के 2pz में जाइए जाए अनटिल एंड अनलेस इसको एनर्जी दी जाए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जो रिलीज होगी, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो इसके साथ जैसे ही एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इधर आएगा और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और मज़ीद हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये आपके पास एनर्जी प्रोफाइल था अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन। अब जो आपके पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने हैं, जो कि अब आपके पास वजूद में आ चुके हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव सेम लेवल ऑफ एनर्जी। जिसको हम कहते हैं डीजेनरेट या डीजेनरेसी, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि दे हैव एन इंटायरली न्यू शेप, इंटायरली न्यू शेप एंड ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी जब शेप डिफरेंट होगी तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो सी है वो भी ये ऑर्बिटल जो से हैं वो डिफाइन करेंगे। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सी है वो भी इन्हीं की वजह से जो है वो डिटरमिन होती है। तो ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हमारे पास, उनकी ये तीन प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ तक आपके जहनों में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि
हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं और एनर्जी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड्स में क्रिस्टल क्लियर होगा तभी हम आगे चल के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे वो आसानी से आपके पास समझ में आएंगी। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और किस पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन कि आपके पास कौन से ऑर्बिटल्स जो से हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आपकी इस बुक में जो है हम एस एंड पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, बस एस एंड पी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग और उनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। और इससे जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp3 हाइब्रिडाइज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 तो हो गया, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, दीज आर द थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल्स ऑफ योर एटम। तो इनको अब हम अलहदा अलहदा टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन का ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अब आई होप के आपके माइंड में क्लियर है। अब हम जब इनकी टाइप्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है और भी आसानी से आपके पास क्लियर हो जाएगा।